तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का और एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले महिंद्रा कंपनी की तरफ से आने वाले शानदार ट्रैक्टर महिंद्रा यूवो टेक प्लस 405 डीआई के बारे में। तो शुरू करते हैं शानदार ट्रैक्टर का शानदार रिव्यू अपने स्टाइल में। तो देखिए 6 साल की वारंटी और इसके अंदर अपने को 3 सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं और 39 हॉर्स पावर का अपने को इंजन देखने को मिल जाता है। और बात कर ली जाए इसके इंजन राउंड पर मिनट इंजन आरपीएम के बारे में तो अपने को 2000 आरपीएम मिल जाते हैं। और इसकी बात कर ली जाए, तो बात की जाए इसके फ्यूल पंप के बारे में तो अपने को बोसेस कंपनी का फ्यूल पंप देखने को मिल जाता है। और इनलाइन पंप होने की वजह से अपने को इसको सालों साल इसको रखरखाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डीजल फिल्टर की बात की जाए तो महिंद्रा ने अपना खुद का डीजल फिल्टर दे रखा है, मतलब कि ये लंबे समय तक इसको अपन को फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं। और एक ही फिल्टर मॉड्यूलर होता है जिसके अंदर सारा का सारा कचरा अपन को लग जाता है। और इधर कुछ वायरिंग के फ्यूज वगैरह भी इधर देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम भी महिंद्रा ने इस बार शानदार इसमें दिखा दिया, कुछ फ्यूज बॉक्स वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट माहिती इधर भी लिखी हुई। बात कर ली जाए इसके डीजल फिल्टर के बारे में तो महिंद्रा ने इस बार डीजल फिल्टर बदल कर दिए हुए हैं। इसमें 2 फिल्टर आते थे प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको कुछ चेंज करके एक ही में सब कुछ कर दिया और इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बह जाता है। और बात कर ली जाए इसके एयर फिल्टर के बारे में तो वो भी कंपनी ने फुल्ली ड्राई टाइप बना दिया है, मतलब कि देखिए ड्राई टाइप एयर फिल्टर है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा शुद्ध होकर अंदर जाती है। देखिए यहाँ पर डस्ट कलेक्टर भी दे रखा है, यहाँ पर धूल वगैरह जो होती है वो यहीं पर ही रुक जाती है। और अल्टरनेटर की बात कर ली जाए तो भी शानदार, यहाँ पर भी अपने को अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है। और इसके नीचे ठीक नीचे अपने को 2 ऑयल पंप देखने को मिल जाते हैं जिससे अपने को हाइड्रोलिक वगैरह और अपना पावर स्टेयरिंग का पंप दोनों अलग हो जाते हैं, जिस वजह से पावर स्टेयरिंग की उम्र लंबी हो जाती है। और यहाँ पर ही इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ से ऑयल गेज निकलता है अपना, देखिए इस प्रकार से कुछ ऑयल यहाँ तक अपने को ऑयल फिल करना है। देखिए ये इस तरीके से ऑयल स्टिक वगैरह और ये इसे इस तरीके से डल जाता है वापस से ये इस तरीके से। और बात कर ली जाए इसके रेडिएटर वगैरह की तो बड़ा रेडिएटर देखने को मिल जाता है और इसके आगे अपने को स्पेशली सेफ्टी के लिए जाली वगैरह दी जाती है। अगर भूसा वगैरह में मशीन चलती है अपनी, ट्रैक्टर चलता है, मतलब कि यहाँ हमारे गुजरात में अगर बात की जाए तो अगर अपने कॉटन की फार्मिंग में इसका यूज़ कॉटन निकालने में करते हैं तब कॉटन का वो जो भूसा वगैरह भर जाता है। और देखिए यहाँ पर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। यह पावर स्टीयरिंग की खास बात यह है कि ये अपने को अपने हाथ की छोटी उंगली से भी अपन पूरा का पूरा ट्रैक्टर राउंड घुमा सकते हैं। और देखिए इधर से ही पूरा ग्राउंड क्लियर है अपने को देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ से ब्रेक वगैरह देखने को मिल जाती है, यह पिछला पूरा का पूरा तगड़ा हिस्सा बना रखा है महिंद्रा ने। और देखिए पावर स्टीयरिंग की जो मैं बात कर रहा था, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग अपने को देखने को मिल जाता है इस तरीके से। और नॉन एडजस्टेबल अपने को पूरा का पूरा हेवी फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है इस प्रकार से बात की जाए। और अगर आगे बात कर ली जाए इसके साइलेंसर वगैरह की तो देखिए इस प्रकार से अपने को साइलेंसर देखने को मिल जाता है। अगर इस साइलेंसर को आगे अपने को एक जाली भी देखने को मिल जाती है जिस वजह से अगर अपना हाथ वगैरह लग जाता है अगर साइलेंसर वगैरह को तो हाथ जले नहीं उस हिसाब से। और अगर बात कर ली जाए प्लेटफॉर्म के बारे में तो पूरा का पूरा खुला प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। 40 SPD श्रेणी में ये ट्रैक्टर से ज़्यादा और किसी जगह ट्रैक्टर में भी इतना ज़्यादा पेस अपने को देखने को मिलता नहीं है, मतलब कि 50 SPD से ऊपर वाले ट्रैक्टरों में भी कम इतनी जगह नहीं होती जितनी ये 40 SPD ट्रैक्टर में। और दुनिया भारत का असली साइड शिफ्ट गियर है महिंद्रा का, देखिए इस तरीके से यहाँ साइड में बॉक्सेस वगैरह उधर से गियर बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो उधर की साइड वो जो सीट के नीचे से गियर जाता है उस हिसाब से नहीं, सही साइड शिफ्ट मतलब कि महिंद्रा ने बना रखा है। और यहाँ पर महिंद्रा फाइनल ओके भी लिखा हुआ मिल जाता है। और कुछ अलग हटके कर दिया गया है पायदान, यहाँ से पैर रख के अपन चल सकते हैं। और देखिए पावर स्टीयरिंग वगैरह का भी यहीं पर अपने को देखने को मिल जाता है। और यहाँ रहा युवराज के ऊपर बैठा हुआ अपना लुक, मतलब कि इस ट्रैक्टर के ऊपर से अगर अपन देखते हैं तो इस प्रकार से अपने को ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। और एक प्यारा सा ORVM और फुल्ली डिजिटल तो नहीं कह सकते सेमी ऑटोमेट डिजिटल अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। देखिए इसमें आवर्स वगैरह भी देखने को मिल जाए, सारे के सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, पार्किंग की हो गया, सर्विस इंटरवल हो गया और लेफ्ट राइट बैटरी ऑयल सारा का सारा जितना हो जाता है। और ये खास बात यह है कि देखिए पूरा ट्रैक्टर ही मॉडर्न है तो इसके अंदर मॉडर्न स्विच भी तो होना चाहिए, कॉम्बिनेशन स्विच अपने को इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। एक ही स्विच में सारा का सारा अपना काम बन जाता है, मतलब इंडिकेटर हो गया, हेडलाइट हो गई, वॉर्न हो गया और साइड सब कुछ। और यह देखिए यहाँ पर
ये अपना इंडिकेटर सारे इंडिकेटर एक साथ वर्क रहे, और 12 वोल्ट का अपने को चार्ज देखने को मिल जाता है, और यहीं पर फ़ोन भी रख सकते हैं। और ब्रेक्स वगैरह की बात कर ली जाए तो इसके अंदर ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए 40 एचपी रेंज में तो 3 स्पीड आपको कोई और ट्रैक्टर शायद ही देर ऑफर कर रहा हो, लेकिन महिंद्रा करता है देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर रही अपनी ब्रेक्स, हैंड ब्रेक्स, तो अपन यहाँ से हैंड ब्रेक, अगर अपने को हैंड ब्रेक लगानी है तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेक दबाई और इस तरीके से देखिए। मैं तो अपन कैमरा है इसलिए थोड़ा सा देर लगती है। और देखिए यहाँ पर हो गया अपना क्लच, तो भाई स्मूथ क्लच के मामले में महिंद्रा के बार और किसी का भी नाम नहीं आता है। देखिए हाई लो मीडियम 40 एचपी में अगर कोई हाई लो मीडियम आपको ऑफर कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो महिंद्रा ही कर सकता है इस इतनी बड़ी चीज़। और यहाँ पर देखिए ये हो गया अपना पावर टेकऑफ पीटीओ, तो पीटीओ के बारे में बात कर लीजिए पावर टेकऑफ की, मतलब कि पीटीओ की, तो इसमें आपको 6 स्प्लाइन वाली पीटीओ देखने को मिल जाती है जिसको 540 स्टैंडर्ड आरपीएम पर अपन चला सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर देखिए कुछ गियर सिस्टम, मतलब कि अगर कौन से गियर में अपना प्लाव लगेगा, मतलब कि मीडियम के दूसरे में अपन प्लाव चला सकते हैं, लो के 4 में अपन चला सकते हैं, और सारा का सारा पूरा डिटेल्स वगैरह दे रखी है। और यहाँ पर कुछ वार्निंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है, और इसके नीचे कुछ पावर टेक ऑफ वाले वार्निंग भी अपने को दिखाई दे देती दिखाई जा सकती है। देखिए इस प्रकार से अगर आप वीडियो पॉज कर भी पढ़ सकते हैं, और देखिए इस पर प्रकार से हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी अपने को देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इसके लिफ्टिंग के बारे में, तो जो पीसीडीसी लीवर, मतलब कि एडीडीसी टाइप की अपने को लिफ्टिंग देखने को लिफ्ट देखने को मिल जाती है, और महिंद्रा की लिफ्ट काफ़ी बढ़िया हो, लॉन्ग लास्टिंग तो खुलती नहीं है देखिए इस प्रकार से। और डीजल टैंक की बात की जाए तो इसके अंदर अपने को लॉक भी देखने को मिल जाता है, और 60 लीटर के अपने को टंकी देखने को मिल जाती है। और खास बात यह है कि इसके अंदर अपने को एक छोटा सा फिल्टर भी देखने को मिल जाता है, अगर थोड़ी सी भी धूल वगैरह होती है तो वो इसमें सन जाएगी, तो देखिए इस प्रकार से। और छोटा सा टूल बॉक्स कुछ अलग प्रकार से महिंद्रा ने यहाँ पर अपने जो फ्रंट पायदान है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरह का से रिम है, और 13/6/28 के इसके रेयर टायर है, और अगर ऑप्शन की बात की 12/4/28 भी आप ले सकते हो। देखिए इस प्रकार से कुछ मड गार्ड वगैरह देखने को मिल जाती है, महिंद्रा की बात ही कुछ अलग होती है, फेब्रिकेशन वगैरह का सारा महिंद्रा है, तो भाई सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर महिंद्रा के बिकते हैं। और देखिए फ्रंट रियर एक्सल की बात की जाए तो सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग के साथ अपने को देखने को मिल जाता है। और देखिए ये पूरा का पूरा प्लेनेटरी ड्राइव है, मतलब कि देखिए 3 चक्कर होते हैं वो प्लेनेटरी ड्राइव होता है, वो ही वाला है। और लिफ्टिंग की बात की जाए देखिए डबल साइड सेंसिंग वाली लिफ्ट अपने को देखने को मिल जाती है, 1700 किलो लिफ्टिंग क्षमता अपने को देखने को मिल जाती है। और डबल पॉइंट सेंसिंग के अपन सारे के सारे खेती के काम कर सकते हो, प्लाव वगैरह हो गया या सारा का सारा अपन देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एक और भी देखने को मिल जाता है सेंसिंग, महिंद्रा है तो सेंसिंग तो बढ़िया होती ही है महिंद्रा ट्रैक्टरों की। देखिए इस प्रकार से कुछ है, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से भी सेंस करेगा और ऊपर से भी सेंस करेगा। और ये एक छोटी सी लाइट देखने को मिल जाती है, अपने को रात वगैरह में अगर कुछ काम करना है ट्रैक्टर से तो अपन लाइट स्टार्ट करके कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और कुछ रियर का व्यू इस तरीके से, और जो पीछे देख रहे हो मडगार्ड, ये देखिए इस कर मडगार्ड की बात की जाए, और ये स्टेबिलाइजर, मतलब कि यहाँ से अपन लिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ी सी वगैरह, मतलब कि लेवल कर सकते। देखिए इस प्रकार से कुछ लिफ्टिंग अपने को देखने को मिल जाती है, और पूरा का पूरा हेवी हिंच देखने को मिल जाता है ट्रोलर वगैरह में इस काम करने के लिए। और हेवी लिंकेजेस के साथ महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर को उतारा है, देखिए इस प्रकार से यह पिन वगैरह निकल जाती है इस प्रकार से। सेफ्टी के मामले में महिंद्रा सबसे आगे है, देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा हेवी हिंच देखने को मिल जाता है। अगर बड़े ट्रोले अगर इस ट्रैक्टर से खींचने हैं तो भी आराम से खींच सकते हैं, कुछ भी दिक्कत अपने को देखने को नहीं मिलने वाली, देखिए इस प्रकार से। और 6 स्प्लाइन वाली अपने को पीटीओ देखने को मिल जाती है, 540 आरपीएम स्टैंडर्ड आरपीएम, 1700 आरपीएम से 1500 से लेकर 1700 तक, तो यह साइड का वॉक राउंड देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से अपने को ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। और फीचर के मामले में बात की जाए तो इसको भर भर के फीचर दिए गए हैं, देखिए एक छोटा सा हम लोगों ने स्टार्टअप लिया है इसका, और देखिए इस प्रकार से ये देखिए ये कुछ इसका स्टार्टर। और भाई जैसे बड़ी गाड़ियों में होता है, मतलब कि जो अपन 4 व्हील वगैरह में होता है उस प्रकार से इसमें है, कि देखिए इस प्रकार से कार वगैरह में होता है उस प्रकार से इंडिकेटर्स वगैरह। और ख़ास बात ये है, देखिए स्टेयरिंग की बात कर लेता हूँ मैं आपसे, फुल्ली पावर स्टेयरिंग है, अलग ही अलग वेल अलग सारा का सारा
अलग सामान है मतलब कि पावर स्टेरिंग के लिए, और डबल साइडिंग होने से वजह से देखिए मैं कैसे एक उंगली से पूरा का पूरा कट मार लेते हैं। देखिए इस प्रकार से बात के लिए मैंने खुद चला कर भी देखा भाई, मैंने काफ़ी ट्रैक्टर चलाया, खुद का भी चलाया है, महिंद्रा हो गया, सोनालिका हो गया, स्वराज हो गया भाई। इसका पावर स्टेरिंग मुझे बढ़िया लगा, एक उंगली से घूम जाता है देखिए इस प्रकार से। तो भाई स्टेयरिंग के मामले में महिंद्रा और डबल एक्टिंग होने की वजह से तो बढ़िया ही होता है। देखिए इस प्रकार से अपन ले ले रहे टेस्ट ड्राइव थोड़ी सी। भाई पावर के मामले में भाई महिंद्रा क्या करूँ, पैसा नहीं है अभी, नहीं तो खरीद लेते हैं। और अगर बात की जाए इसके प्राइसिंग वगैरह की, तो अपने को 6.5 लाख से 7 लाख 20 हज़ार तक एक शोरूम देखने को मिल जाती है, अगर एरिया वाइज प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है।